पुलवामा की बात हो रही है, त्राल की बात हो रही है, तो त्राल से ही एक और बड़ी खबर भी है। और खबर यह है कि एसओजी कैंप त्राल में कल रात से खबर गश्त कर रही थी कि गोली चली है, और गोली चलने के बाद यह कहा गया था कि पुलिस कांस्टेबल जख्मी हुआ है, और फिर रात भर खबरों का सिलसिला जारी रहा और यह बताया गया कि साबिक मिलिटेंट जिससे एसओजी कैंप के अंदर पूछताछ चल रही थी ने हथियार छीना है और उसके बाद एसओजी कैंप के अंदर ही मैसूर है, और एसओजी कैंप के अंदर मैसूर रहने के बाद रात भर फायरिंग की है। इधर पुलिस जराया से जो हमारे पास इतला मौसूल है वो ये है कि मजकूरा साबिक मिलिटेंट के अहल खाना को लाया गया था और काफ़ी कोशिश की गई थी कि वो सरेंडर करे, लेकिन सरेंडर की कोशिश नाकाम हुई और फिर बाद में सुबह होते हुए एनकाउंटर, ये जो फायरिंग का इंसिडेंट था, इसमें वो आदमी मारा गया जिसने हथियार छीना था पुलिस बयान के मुताबिक। और ये आदमी है कौन? ये है जी मोहम्मद अमीन मलिक, नागबल का रहने वाला है, और इसके बारे में ये माना जा रहा कि ये साबिक मिलिटेंट रहा है, और साबिक मिलिटेंट होने के बाद ये काफ़ी देर तक जेल में भी बंद रहा। वापसी पर पुलिस के राडार पर बड़े दिनों से ये था और इससे पूछताछ हो रही थी, और उसी पूछताछ के नतीजे में अब ये खबर सामने आई है कि जब इससे पूछताछ की जा रही थी एसओजी कैंप के अंदर, क्योंकि उनके घर से 12 बोर हथियार भी बरामद हुआ था, उस बारे में भी पूछताछ हो रही थी, लेकिन उसी बीच उसने हथियार छीना एक कांस्टेबल से जिसका नाम अमजिद अहमद बताया जा रहा है और फायर किया, जिसके नतीजे में अमजिद जख्मी हुआ है, उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया है और रात भर यहाँ पर फायरिंग हुई है। अब इस वक्त की क्या कुछ सूरत हाल है, क्योंकि एक तरफ से एक खबर हमने आपको त्राल की बताई और यह दूसरी खबर है। खुद सुपुर्द की कोशिश नाकाम रही, पुलिस का दावा है, और एसओजी कैंप में रात 5 बजे, जिनने मेरे साथ प्रोग्राम कल देखा होगा तो उस वक्त हमने इस खबर को ब्रेक किया था, और अब हम इस खबर को कंक्लूड करते हैं इस खबर के साथ कि वो आदमी जिसने हथियार छीना था, अब उसके बारे में बड़ी चीजें क्लियर हो रही है कि वो साबिक मिलिटेंट था और पूछताछ के लिए एसओजी कैंप में उसे भेजा गया था। चलिए, हमारे साथ इस वक्त अभी भी हमारे साथ हमारे नुमाइंदे बने हुए हैं, और आशीष कौशल ये बताइएगा कि साल 2002 में अमीन मलिक के मुताबिक बताया जाता है कि जब इसने बंदूक उठाई और उसके बाद साल 2004 में सिक्योरिटी फोर्सेज की मुश्तरका कार्रवाई से इसको गिरफ्तार किया गया त्राल मार्केट से साल 2004 में। लेकिन 15-16 सालों के दरमियान क्या कुछ हुआ कि अचानक नौबत यहां तक आ गई कि दोबारा पुलिस को गिरफ्तार करना पड़ा और कैंप के अंदर पूछताछ हो रही थी और उसके बाद हलाकत का मामला सामने आता है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि यहाँ पे कल 4 बजे के करीब एसओजी कैंप में गोली चलने की आवाज आई, तो बताया जा रहा है कि जो मोहम्मद अमीन नामी OGW था उसको कुछ दिन पहले पूछताछ के लिए यहाँ पे बुलाया गया था। तो कल जब एसओजी कैंप में उसको पूछताछ करने के लिए लाया गया तो उसके बाद उसने एसओजी पर्सनल से राइफल छीनकर उसे गोली चलाई, तो जिससे एसओजी पर्सनल जख्मी हो गया, तो उसको बाद में श्रीनगर मुंतकिल किया गया। बताया जा रहा है कि उसकी हालत बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन ये मतलब कल समझ नहीं आ रहा था कि एसओजी कैंप के अंदर गोली चली, क्यों चली, ये किसी को पता नहीं था। फिर देर में पता चला कि यहाँ पे दोनों तरफ जो OGW है उसने राइफल छीनी, तो उसने फायर खोला, जो कि रात देर तक फायरिंग दोनों तरफ जारी थी। तो सुबह 4 बजे के करीब ये जो मोहम्मद अमीन है जिस पर ये इल्जाम है कि उसने हथियार छीना, फायरिंग की और आज वो मारा गया, इसके खबर ये भी आ रही है कि उनका भाई भी था जो 2019 में मारा गया और जाकिर मूसा के साथ उनके करीबी राब्ते रहे हैं और ये खुद भी पाकिस्तानी मिलिटेंट था। अब कोई अहल खाना की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन है इस बारे में, या वो ये मान रहे हैं कि गलती लड़के से हुई थी, उसने हथियार छीना था? जी बिल्कुल गवर, आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले इसके घर से 12 बोर राइफल भी बरामद हुई थी, उसी सिलसिले में इसको यहाँ पे बुलाया गया था कि इसके पास उस राइफल की लाइसेंस नहीं थी। तो इस सिलसिले में जब इसको कुछ दिन पहले अरेस्ट किया गया तो वहाँ पे पूछताछ भी हुई, इस कैंप में इसको लाया गया, तो वहाँ पे ये कल इंसिडेंट हो गया जो रात भर चला, गोलियां चली, तो सुबह सवेरे इसको मार दिया गया। तो अभी मतलब ये कहना मुश्किल होगा, इसके घर वालों के साथ बात नहीं हुई। तो चलिए, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। खबर ये कि रात देर गए जो एसओजी कैंप में गोली चली थी उसमें साबिक मिलिटेंट मारा गया है, और साबिक मिलिटेंट पर यह इल्जाम है कि उसने हथियार छीना। हथियार छीनकर वो जनरेटर कमरे तक आए गए जहां पर वो रात देर गए तक फायरिंग करता रहा। पुलिस का मानना है कि उनके अहल खाना को बुलाकर सरेंडर करवाने की कोशिश की गई, सरेंडर की कोशिश जब नाकाम हुई तो उसके बाद अल्टीमेट यही था जो खबर हमने आपके सामने रख दी है।